नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। बादशाहपुर के इस्कॉन मंदिर में शुक्रवार से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु कथा सुनने पहुंच रहे हैं। रविवार तक चलने वाले इस आयोजन में सुदर्शन जी महाराज श्री राम की कथा सुना रहे हैं। श्री राम कथा सुनने पहुँचे श्रद्धालु की माने तो बीते 10 वर्षों से वो यहाँ कथा सुनने पहुँचते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद लोग श्री राम की भक्ति में पूरी तरह लीन हो चुके हैं और हम यह कह सकते हैं कि सोया हुआ शेर जाग चुका है। तो वही अन्य श्रद्धालु अनिल कश्यप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जीवन में कुछ अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तभी ऐसे सुअवसर पर पहुँचने का मौका मिलता है। अनिल की माने तो रामायण तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सुदर्शन जी से और ऐसे संगीत के माहौल जब रामायण सुनने को मिलती है तो फिर उसका आनंद दोगुना हो जाता है। अनिल कश्यप, यहाँ पे श्री राम कथा चल रही है इस्कॉन मंदिर में, कितना आनंद उठा रहे हैं, कितने लोग पहुंचे हैं, आप क्या अनुभव कर रहे हैं? जीवन में जब हमारे कोई पुण्य उदय होते हैं तब ऐसे अवसर मिलते हैं कि आचार्य सुदर्शन जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व कर्म योगी के श्रीमुख से हमें भक्ति ज्ञान और संगीत के माध्यम से भगवान श्री राम की रामायण का उनकी मर्मज्ञता का पता चलता है। रामायण तो हम सब जानते हैं, लेकिन रामायण का मर्मज्ञ क्या है, रामायण के पीछे हेतु क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आचार्य सुदर्शन जी श्री महाराज के श्रीमुख से हमें सुनने को मिलता है। और वास्तव में ऐसा आनंद यहाँ इस कथा के माध्यम से आ रहा है, ये लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो गया है, हमारा जीवन धन्य होता है। ऐसे ऐसे प्रसंग यहाँ सुनने को मिलते हैं, रामायण के अंदर ऐसी ऐसी वस्तु छुपी है जो बहुत कम सुनने को मिलती है, ये ऐसे ही महान पुरुष के श्रीमुख से हमें सुनने को मिलती है, जिन्होंने न केवल भगवान श्री राम के आचरण को देखा है, समझा है, बल्कि उनके व्यवहार को, भगवान श्री राम के कार्य को अपने जीवन में धारण किया है। और जैसा ही भगवान श्री राम का जीवन था, जैसा ही उनके उद्देश्य थे, उनकी कथा थी, वैसा ही आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के आचरण में परिलक्षित है, इसलिए आज हमारा जीवन धन्य हुआ है। ऐसे महापुरुष के श्री मुख से हमने भगवान श्री राम की कथा का सुना है। कहां से लोग यहां पर पहुंचे हुए? यहां पूरे आसपास के लोगों से, चाहे नूरपुर है, पलडा है, टीकली है, अकलिमपुर है, बादशाहपुर है, या सेक्टर्स के लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और ये आने का क्रम सतत जारी है। लोगों को जैसे ही पता चला कि आचार्य सुदर्शन जी महाराज, क्योंकि वो राम कथा के मर्मज्ञ हैं और जो मर्मज्ञ होते हैं वही राम कथा के विषय में सब जानते हैं, बताते हैं। रामायण को तो हम सब जानते हैं, पूरी कथा को जानते हैं, लेकिन उस कथा के पीछे मर्मज्ञता क्या है, ये आचार्य सुदर्शन जी महाराज बताते हैं। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं बैठेंगे, राम कथा कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, तब तक विवेक नहीं होगा, विवेक नहीं होगा तो शांति तो कहाँ मिलेगा आपको। तो साथ में हरि भजन हो, कथा हो, तो शांति अपने आप मिलेगी। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम नरहरी दास है और मैं कौशल अपन भाई साहब से जुड़ा हूँ और यहाँ 10 साल हो गए इस आश्रम में, और महाराज की कृपा से ही हम लोग यहाँ आश्रम में राम कथा और कृष्ण कथा प्रचार से पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। तो महाराज ने आश्रम दलित किया है और विशेष अभी राम कथा चल रही है, तो बहुत से लोग आकर इसका लाभ उठा रहे हैं और प्रत्येक कार्यक्रम के आवाज़ भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। राम मंदिर के बनने के बाद आप क्या देखते हैं, आप इस मंदिर में हैं, लोगों की आस्था बढ़ी है? लोगों की बहुत आस्था बढ़ी है, लोगों का भाव प्रेम भगवान के प्रति, जैसे कहते सोवा हुआ सो जाग गया, तो ये जो मुझे कृष्ण प्रेम का, राम प्रेम का पूरा जागृत हुआ। हमारे माननीय मोदी साहब जी ने जो श्रृंखला 5 साल बना हमारा मंदिर को जो कार्य किया, कार्य किया, बहुत ही सराहनीय है और उनका भी धन्यवाद करेंगे विशेष महाराज को, जो आज उन्होंने पूरा हम लोगों को राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।